अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू एंड योर पेरेंट्स विल बी फाइन इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हेल्थ एंड ईमान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको असेसमेंट सॉल्विंग सेशन करवाया जा रहा है। आज असेसमेंट सॉल्विंग सेशन का जो टॉपिक है वो है हु हैज़ सीन द विंड। पोइम है ये आपकी रीडिंग बुक में से, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे और आपको फिलिंग ब्लैंक्स सॉल्व करवाई जाएंगी। अपने असेसमेंट सॉल्विंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं लेक्चर के स्टार्ट पे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आपको दारुल इकम स्कूल की तमाम वीडियो बर वक्त हासिल हो सकें। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आप सब अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 12, क्लास 2, सब्जेक्ट इंग्लिश। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी व्हेन द विंड ब्लो। आप क्या देखते हैं जब हवा चलती है, क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? अगर सोचें थोड़ा सा, अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाएं, आप लोग अपनी चले जाएं अपने तसव्वुर में, तो आपको नज़र आएगा कि आई सी, मैं देखता हूँ द क्लोथ्स फ्लाइंग, कपड़ों को उड़ते हुए, मैं कपड़ों को उड़ते हुए देखता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं हवा चल रही है तो खुद ब खुद कपड़े उड़ना शुरू हो जाते हैं। आई सी द लीव्स फॉलिंग, जब पत्ते गिरते हैं, ठीक है। आई सी द फ्लैग्स वेव्स, जब झंडे हिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब हमारे कपड़े उड़ते हैं, जब पत्ते गिरते हैं और जब झंडे हिलते हैं, तो आप देखते हैं कि जब हवा चलती है तो ये तीन तरह की मूवमेंट्स होती हैं। इसके अलावा भी और मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन 3 दिए थे तो हमने उसके एज इट इज़ ऐसे ही उसका आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके मुताबिक आपको फिल द ब्लैंक्स ऑफ समरी पोएम। पोएम की समरी है, आपने ऑलरेडी पहले ही इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आज आपको समरी की फिल द ब्लैंक्स राइट कर दी गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 है कि पोएम का राइटर क्या था, क्रिस्टीनिया रोसिटी। वो विंड को देखकर उसकी कैसी फीलिंग, क्या थी फीलिंग्स उसकी, कैसी थी वो, क्या हम लोग क्या नहीं दे सकते विंड, क्या चीज़ें ट्रीज़ की शेक करती हैं, लीव्स आर ट्रम्बलिंग, के लीव्स हमारे क्या करते हैं स्टूडेंट, ट्रम्बलिंग करते हैं, ठीक है, हिलते हैं। ट्रम्बलिंग का मैंने आपको रीडिंग बुक में भी बताया था कि ट्रम्बलिंग होते हैं हिलना। नंबर 4 पे है बोइंग डाउन, ट्रीज आर बोइंग डाउन देयर हेड्स, के वो अपने सरों के बल झुकते हैं जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है। फेल्ट, कि कोई भी हवा को महसूस कर सकता है लेकिन उसको देख नहीं सकता। अब लास्ट क्वेश्चन है, चूज द पिक्चर क्लूज। स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में दो पिक्चर्स दी गई हैं, दो ट्रीज़ की पिक्चर्स हैं। एक ट्रीज़ में आपको इधर राइट साइड पे आपको नज़र आएगा कि उसके लीव्स नीचे गिर रहे हैं, दूसरे पे आपको लीव्स हिलते हुए नज़र आएंगे। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे व्हेन द ट्रीज आर फॉलिंग, व्हेन द ट्रीज आर फॉलिंग। स्टूडेंट्स, ट्रीज नहीं लीव्स, व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग, जब के पत्ते गिरते हैं। और सेकंड ट्री में आपको शेकिंग करते हुए लीव्स नजर आएंगे, व्हेन द लीव्स आर शेकिंग, शेकिंग मतलब होता है हिलना, कि जब पत्ते पहले वाले ट्री में पत्ते गिर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन द लीव्स आर फॉलिंग, कि हमें विंड को देता इस सूरत में देख सकते हैं, व्हेन द लीव्स आर शेकिंग, और इस सूरत में देख सकते हैं जब के पत्ते हिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज आपने हु हैज सीन द विंड जो कि पोइम है उसकी समरी भी सॉल्व की, उसकी फिल द ब्लैंक्स थी, और आपने इससे रिलेटेड इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए। उम्मीद करती हूँ कि आप ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपना और अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।